बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अफाक सन सीरीज ग्रेड 6 के इंग्लिश सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 1 सीरतुल नबी एक सबक है। इस सबक की हमने फुल यूनिट रीडिंग किया था, अब हम इसकी कुछ बुक एक्टिविटीज करेंगे। तो चलते हैं सबक की पेजिस की जानिब। तो पेज नंबर 4 पर हमारा पहला टॉपिक रीड द गिवन वर्ड्स विद एंड देयर मीनिंग्स। दी गए अल्फाज को पढ़े और उसके मानों के साथ पढ़े। जैसे वर्ड्स में हमारे साथ रिफॉर्मर, इसकी इंग्लिश मानी है अ पर्सन हु वर्क्स टू अचीव पॉलिटिकल और सोशल चेंज, और उर्दू मानी है मुस्लिह यानी सुलह करने वाले। नंबर 2 विक्टोरियस, इंग्लिश मानी है हैविंग वॉन अ विक्ट्री, उर्दू मानी है फातेह। नंबर 3 डिसबैंडेड, इंग्लिश मानी है ब्रेकअप और कास्ट ब्रेकअप, उर्दू मानी है तितर बितर होना यानी जुदा होना। नंबर 4 कंसोल, इंग्लिश मानी है कंफर्ट समवन एट अ टाइम ऑफ ग्रिफ और डिसअपॉइंटमेंट, उर्दू मानी है तसल्ली देना। और इस तरह नंबर 5 कॉन्क्वेस्ट, इंग्लिश मानी है अजम्पशन ऑफ कंट्रोल ऑफ अ प्लेस और पीपल बाय मिलिट्री फोर्स, इंग्लिश मानी उर्दू मानी है फतहा या जीत। और इस तरह कंसोलेशन, इंग्लिश मानी है द एक्ट ऑफ डिस्कसिंग समथिंग विद समबडी, उर्दू मानी है सलाह या सलाह मशवरा या मशवरा करना या सलाह मशवरा। और इस तरह इंक्वायर, इंग्लिश मानी है टू आस्क समबडी फॉर सम इंफॉर्मेशन, उर्दू मानी है पूछना। और इस तरह नंबर लास्ट जेनरस, इंग्लिश मानी है शोइंग रेडीनेस टू गिव मोर ऑफ समथिंग, उर्दू मानी है सखी। अब हम पेज नंबर 5 पर अगला टॉपिक रीड थिंक एंड डू इट, पढ़िए उस पर सोचिए और उसे करिए। तो यहाँ पर हमारे साथ फिक्शन और नॉन फिक्शन के बारे में डिफिनीशन है और उसके कुछ सवालात है, उसको हम करेंगे। तो पहले हम फिक्शन और नॉन फिक्शन को पढ़ेंगे। फिक्शन क्या होता है? फिक्शन इज एन इमेजिनरी स्टोरी ऑल्दो इट कैन कंटेन एलिमेंट दैट आर ट्रू आर रियल। फिक्शन एक ख्याली कहानी होता है जिसमें जो अनासिर होते हैं वो ट्रू यानी रियल होते हैं। और इस तरह नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन इज अ स्टोरी और टेक्स्ट दैट इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। नॉन फिक्शन वो कहानी होता है जो कि रियल यानी हकीकी कहानी होती है, जो कि जिसमें झूठ की यानी झूठी दावे या झूठी बात नहीं हो, यानी उसमें हकीकत वाजी होती है, उसको हम नॉन फिक्शन कहते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ टिक्स पढ़ेंगे। जैसे गो टू योर स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल के लाइब्रेरी को जाए एंड सेलेक्ट एनी फिक्शनल और नॉन फिक्शनल स्टोरी बुक, और उसमें एक फिक्शनल या नॉन फिक्शनल अफसाना या गैर अफसाने वाली किताब को यानी कहानी वाली किताब ले ले। रीड इट, इसे पढ़े एंड अंडरलाइन डिफिकल्ट वर्ड्स इन इट, और इसमें डिफिकल्ट यानी मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करें यानी हद कशीदा करें। फाइंड द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स, इन अल्फाजों के माने मालूम करें इन अ डिक्शनरी में एंड कंपेयर देम, और इसका मुआजना करें विद द मीनिंग्स ऑफ दोज वर्ड्स, उन अल्फाजों के साथ उनका मुआजना करें इन द टेक्स्ट जो कि टेक्स्ट में मौजूद है। और इस तरह आइडेंटिफाई एंड नोट डाउन
द थीम ऑफ द स्टोरी, पहचानी और नकल करी कहानी के थीम को यानी असल मौजू को। कलेक्ट इंफॉर्मेशन, उसमें मालूमात जमा करिए फ्रॉम द स्टोरी कहानी से, एंड नरेट एनी वन इंसिडेंट, और उसमें एक कहानी को तहरीर करें यानी एक वाक्य को तहरीर करें यानी बयान करें फ्रॉम द स्टोरी कहानी से, एनी योर ओन वर्ड्स अपनी अल्फाजों में से। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।